आज ये जो बाद में धरना दिया गया, उन सबको पता था ये मसले हल होंगे, और कुछ पेशरफ्त हुई है इस पे, चेक पोस्टें खत्म हुई हैं, इसलिए कि ये उस हमारे मुआहदे में शामिल था। बाद में कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाकर ग्वादर में लोगों को यरगमाल बनाने की कोशिश की, उन्होंने इसी को जो है अपना सौदाबाजी की कोशिश की। मैं ये कहता हूं कि ग्वादर के साइल वसाइल सरहदों के अवाम के मुफादात का तहफ़ुज़ हमेशा हम करते रहे, और ये हमारा वादा हम करेंगे, किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो कम अज कम जो है ये कहे कि जी बलोचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे इस पर खामोशी इख्तियार की है। इसके अलावा बलोचिस्तान के साहिली बाशिंदों की जमीनात, इंतकाल आबादी, मायगीरी, गैर कानूनी ट्रॉलिंग के रोकथाम, और आज सीएम साहब बैठे हैं वो बिल्कुल मेरे ख्याल में उठ के इसको इंडोर्स करेंगे कि यही बातें थी जिनकी बुनियाद पर हम 23 के करीब 24 के करीब अपोजिशन के अराकीन ने सपोर्ट किया। जाम हुकूमत के 3 साल दौर में गैर मुनसफाना और गैर मसावी तरक्याती अमल की हौसला शिकनी करते हुए तमाम अराकीन असम्बली बशमूल अपोजिशन अलकाम को एकसाफ फंड्स की फरामी, अलकों में गैर मुंतखब अफराद के मुदाखलत का खात्मा। सना बलोच साहब, ये मेरे ख्याल से आप लोगों के बीच में एक मुआहिदा हुआ है। सर ये बीच ये असेंबली में हुआ था, कोई हमारे ये असेंबली मेरी बात एजेंडे की तरफ आते हैं, ये तो आपका आपस में जो है मेरे ख्याल से जनाब स्पीकर साहब एक मिनट, मैं सिर्फ इसलिए कि जनरल परसेप्शन अवाम में कि जी शायद हम हुकूमत में नहीं है, हम बिल्कुल एक जाबिर जालिम हाकिम से बलोचिस्तान को निजात दिलाने में अपना किरदार अदा किया। जो पैदा नहीं हुआ था ये कौम पर सियासत कर रहे हैं, यहाँ के लीडर सियासत कर रहे हैं, मैं हम लोग पैदा नहीं हुए थे। और मुझे बताएं यहाँ चेक पोस्टों पे लोगों की तजलील हो रही थी, एक चेक पोस्ट आपने उन लोगों ने हटाया कौम परस्तों ने, एक चेक पोस्ट का मुझे नाम बताएं कि मेरी वजह से चेक पोस्ट हट गया हो कि या माओ बहनों की तोहीन हुई हो, एक चेक पोस्ट मेरे मुझे नाम बताएँ। और मुझे ये बताएं कि लापता अफराद के लिए बातें तो कर रहे हैं, एक धरना मुझे बता दें कि हमने लापता अफराद के लिए एक धरना दिया हो, इन लोगों ने एक धरना दिया हो। ये रेकोटेक पर शोर कर रहे हैं, तो अभी आ रहे हैं चंद दिनों बाद रेकोटेक की भी चीज़ें आएंगी कि रेकोटेक पर ठेका किसके भाई ने लिया है, चाइनीज़ ने किसको बुलाया, आप खामोश रहे, आपके भाई को मैं ठेका दूंगा, इसके इंशाल्लाह बाद में बात करूँगा मैं कि कौन उछल रहे थे, कौन बात कर रहे थे, फिर मैं बता दूंगा। जो अभी सबसे ज़्यादा अरस्तू बकरात और सुकरात बने हुए हैं वो ठेके लेकर के खामोश भी हो रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं बता दूँगा। ये सिर्फ ये इसलिए परेशान है जो सियासी सौदाबाजी और बलोच कौम किसने सौदाबाजी की है। अब ये हम जो है ना ओपन अवाम की बात कर रहे हैं, अवाम की ज़ुबान भी बात कर रहे हैं, हम सौदाबाजी इंशाल्लाह नहीं कर रहे हैं।